मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास वन के लिए ढेर सारे चार्ट लेकर आई हूँ। ये पार्ट टू वीडियो है, पार्ट वन वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दो पार्ट में मैंने ढेर सारे टीएलएम्स के चार्ट बनाए जो क्लास वन के लिए पर्याप्त है। दीवार के चारों कोनों भर जाएंगे और बच्चों के नज़र में आएंगे तो बच्चे भी सीख सकेंगे। तो ये मेरा पहला चार्ट है जिसमें मैंने आकृतियों के शेप्स के नेम है, ये बच्चे देख के इसे सीख जाएंगे क्या है, गोला है, अर्धगोला है, चतुर्भुज है, आयताकार है। तो इस तरह ये मेरा पहला टीएलएम था, पहला चार्ट था। आप पार्ट वन वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी मैंने बेसिक से चीज़ें लिए हैं। और इसमें मैंने आप देख रहे हैं ये शेप से बनी एक लड़की है जो शेप्स का यूज करके मैंने एक गर्ल बनाया है। और किनारे किनारे मैंने कलरफुल पेज से मैंने बॉर्डर बना दिया जो टुकड़े बचे हुए थे। ये आइडिया मेरे मासी ने मुझे दिया था और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा बॉर्डर इसका बन गया है। तो आपको मेरा ये टीएलएम कैसा लग रहा है? ये है मेरा नेक्स्ट चार्ट जिसमें मैंने 1, 2, 3 के स्पेलिंग्स लिख रखे हैं। इसमें बच्चे देख देख के हम उन्हें याद करा सकते हैं, O-N-E-1 से हम उन्हें रटवा सकते हैं। और बच्चे जब बराबर क्लास में आएंगे उनके सामने ये नंबर्स दिखेंगे तो वो इसे याद करेंगे स्पेलिंग सहित। तो आपको मेरा ये टीएलएम कैसा लगा? मैंने इसको कलरफुल कर दिया है ताकि वो अलग अलग दिखे। ये है मेरा नेक्स्ट चार्ट जिसे मैंने बॉबल्स लिख रखे हैं। मैंने किसी फ्लावर पार्ट में फ्लावर्स बनाए हैं 5 और उनके बीच में मैंने बॉबल्स के नेम्स लिख रखे हैं। इससे ये बच्चों को आँख के सामने दिखते दिखते उनके आँखों में कैच हो जाएगा कि AEIOU ये बॉबल्स हैं। हम चार्ट इसीलिए बनाते हैं कि बच्चों के सामने रहे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि उन्हें काफ़ी मज़ेदार भी लगे और इसे देखें, उनकी नज़र जाए और जो चीज़ें हमने बनाई है वो कैच कर सकें। ये हमने संडे मंडे बनाया है, इसमें मैंने स्पेलिंग सहित ये इंग्लिश में है और मैंने इसको अलग अलग कलर से कलरफुल कर दिया है ताकि देखने में काफ़ी सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे। और इससे हम बच्चों को संडे मंडे की स्पेलिंग याद करा सकते हैं। ये मेरा टीएलएम है, ये सप्ताह के दिनों के हिंदी में नाम है। इसको भी मैंने काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया है। मेरे चार्ट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं जो मेरे इस कैमरे में नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने कैसे बनाया है। ये है मेरा नेक्स्ट, पीछे मैंने संडे मंडे का बनाया था, ये मैंने जनवरी फरवरी का बनाया है और इसको मैंने कलरफुल करके काफ़ी सुंदर बना दिया है। और स्पेलिंग इससे बच्चों को हम स्पेलिंग सिखा सकते हैं और जनवरी फरवरी याद करा सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टीएलएम है, ये आप देख रहे हैं पीछे मैंने इसको कैसे बनाया है। बस मैंने इसको चिपकाया हुआ है कि येलो पिंक चार्ट पेपर पे। ये ABCD का टीएलएम चार्ट है और ये काफ़ी पॉपुलर चार्ट है, इसे लगभग हर स्कूल में इसे देखा जाता है और इसे सारे टीचर्स बनाते हैं। आपने भी अगर बनाया होगा तो इसे बनाया होगा। ये मैंने एक मछली के शेप में जो इसकी स्किन होती है गोले गोले, उस पर मैंने ABCD लिख रखा है कैपिटल लेटर में। और फिर मैंने उसके पीछे इसको मैंने कटिंग किया है, उसके पीछे मैंने एक दूसरा चार्ट चिपकाया है जो आपको मैं ये चार्ट खोलते आपको दिखा था, तो उसे मैंने स्मॉल लेटर में ये ABCD लिख रखा है। इसे बच्चों को सिखाना काफ़ी अच्छा लगेगा, उनके लिए काफ़ी मज़ेदार एक गेम जैसा लगेगा। आप ये पीछे देख लीजिए मैंने इसे कैसे बनाया है, ये बनाना आसान है, बहुत आसान है बनाना। तो आपको मेरे सारे टीएलएम्स कैसे लगे? और आप पार्ट वन ज़रूर देखिएगा, ये दोनों मेरे पार्ट वन पार्ट टू एकदम पर्याप्त टीएलएम है क्लास वन के लिए और क्लास टू के लिए भी। ऐसे पूरे हमारे चारों कोनों दीवार के हम इसे लगा सकते हैं, सारे टॉपिक भी हैं और सब हम उन्हें एकदम थोड़ा काफ़ी मैंने इसको बड़ा बनाया है ताकि इसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
उधर रोज के रोज हमसे।